दस दई कि पेट्रोल और डीजल को लेकर जिथे भाव आज रहे उ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस अज जिला पदरी प्रदर्शन के सदे पर है और जिला पदरी प्रदर्शन किए जाएंगे कांग्रेस पार्टी के वलों ये प्रदर्शन किए जाएंगे पेट्रोल डीजल कीमतों के लगातार वाधे को लेकर कीमतों के केंद्र को कांग्रेस घेरन की तैयारी कर चुकी है अज घेरिया जाएगा और वाधे के खिलाफ कांग्रेस वालों प्रदर्शन किया जा रहा है और वड्डे पद्धर से प्रदर्शन हो रहे हैं तो वड्डे पद्धर से प्रदर्शन हो रहे ना सीधा चल दें मेरे सहयोगी जतेंद्र मेरे नाल मौजूद ने जी जतेंद्र की कहोगे इन्हां प्रदर्शनों को लेकर अच्छ कांग्रेस ने हल्ला बोल किया हुआ है तेल दी कीमतां जिहड़ियां उह लगातार वध रहियां सी और पेट्रोल ते डीजल दे भाव दी गल करिए तां बिल्कुल इक बराबर जे हो गए आ क्योंकि डीजल पहला घट हुंदा सी पेट्रोल ज्यादा सी 80 रुपए दे तकरीबन जिहड़ी आ उह कीमत जो चुकी आ पेट्रोल ते डीजल दी उस नूं लैके जिथे आम लोग परेशान ने तां उत्थे भी कांग्रेस दे वल्लों भी वक्त वक्त थावां दे उत्ते प्रदर्शन किया जा रहा है तुसीं मेरे पिछे देख रहे हो चंडीगढ़ के सैक्टर 17 दे तस्वीरां ने जिथे महिलावां ने जो कांग्रेस सरकार दियां वर्कर ने उन्हां दे वल्लों प्रदर्शन हो रहा है और सरकार के खिलाफ जिहड़ी आ नारेबाजी की जा रही है जिस तरह यह वधे है तां दस दिए कि इत्थे वड्डी गिणती दे विच जिहड़े लोग बैठे हुए ने नौजवान जिहड़े आ उह हेठां बैठ के प्रदर्शन कर रहे ने महिलावां दे वल्लों नारेबाजी की जा रही है पर इहनां दी इही मंग है कि पेट्रोल ते डीजल दे कीमतां घट चुकियां जा कि कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह लोगों का रोजगार भी रहा लोगों के कोल कह रही है कि लोड़ा पूरा करने के लिए पैसे नहीं आते उसी ही जो इन्नी कीमत जी वध जाती है भाव वध जाते हैं तो उस लैके भी फिर इन दिया दिक्कतें वधिया ने साढ़े कोई नाल कुछ लोग ने गलबात करते हैं मांग को लेकर अब प्रदर्शन जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई को लेकर कंटिन्यूली जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह के लोगों के साथ ये जो पहला व्यवहार अपनाया है उसको लेकर आज चंडीगढ़ कांग्रेस के नेतृत्व में अध्यक्ष हमारे प्रदीप आवड़े के नेतृत्व में आज ये प्रोग्राम करे जा रहा है। आज हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जैसे पहले ही कोरोना की महामारी चल रही है जहां सरकार को आर्थिक सहायता लोगों की करनी चाहिए थी पर लोगों को आर्थिक सहायता के बजाय उनका खून चूसने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और आज हम युवा कांग्रेस के साथी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आज हमारा यही सरकार से यही हमारी मांग है कि लोगों को जो है आर्थिक मदद की जाए ना कि लोगों की जेब काट दिया काम जी बिल्कुल गुजरात जिस तरह इन्होंने कहा कि लोगों को मदद मिलनी चाहिए है ना कि लोगों के ऊपर बोझ पाना चाहिए। दस दी कि इतने साबका केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बांसल भी पहुंचे हुए ने उन्होंने नाल भी गलबात करने की कोशिश करांगे कि उन्हों का की कहना लगातार यही मांग हो रही है कि केंद्र सरकार कीमतों के जोड़ा वो बदलाव करे कीमत घटाए तेल के पेट्रोल से डीजल दिया क्योंकि जिस तरह वाधा होया 10 रुपए के तकरीबन जी कीमत इन्हें 21 दिनों के वध चुकी है। अज भी मामूली वाधा होया 5 पैसे का 13 पैसे का वाधा जोड़ा उदर्ज किया गया पर जतिंदर सीधे तौर पर छोटा छोटा वादा मामूली वादा एक वड्डा बन चुका हूँ 9 से 10 रुपए के करीब जरा इजाफा हो चुके है तो उसको लेके किस तरह के नाल की कहा जा सकता है कितने वड्डा पद्धर से अज प्रदर्शन होगा बिल्कुल देश भर के कांग्रेस के जोड़े वर्कर ने कांग्रेस के आगू ने जिस तरह पंजाब की गल करिए पंजाब के विधायकों की ड्यूटियां लगिया हुई मंत्रियों की ड्यूटियां लगिया हुई कि वो अपने अपने हल्के वर्करों को लामबंद कर और जोड़ा प्रदर्शन किया जाए इन्हों वधिया हुई तेल कीमतों के खिलाफ कितने ना कि जो कांग्रेस की सरकार थी जरा भाजपा के वलों प्रदर्शन किया जाता कपड़े उतार के प्रदर्शन किया जाता और ये गल कही जाती थी कि सरकार कर रही है उन्होंने गलबात करा कि तेल दिया जिहड़ियां कीमतां ने उसको लैके की कहना इन्हां दा वल्लों क्योंकि वक्त वक्त थावां ते जिस तरह पहला इन्होंने वर्करां दे प्रदर्शन लगाया उन्होंने मंग की कि आर्थिक सहायता जिहड़ी है वो सरकार नूं करनी चाहीदी है पर इसके बावजूद तेल दियां कीमतां दे विच वाधा जिहड़ा उह कीता जा रहा इन्हां ते भी पुछांगे कि जिहड़े प्रदर्शन जोरे दे भाजपा नूं की मंग कर रहे ने की इन्हां दा कहना है भाजपा सरकार पिछले 6 वर्षों से ये केंद्र सरकार बिल्कुल आंखें मूंद के पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाती जा रही है जबकि अंतर्राष्ट्रीय इसकी कीमतें बहुत कम हो गई हैं और आज के दिन एक हालात ये है कि अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते तेल खरीदते हैं इतना पैसा आप उसका देते हैं पेट्रोल का या डीजल का इसका 70% से ऊपर बल्कि
75% टैक्सीज में जाता है, उसमें ज्यादा हिस्सा है आज के दिन एक्साइज ड्यूटी का। एक्साइज ड्यूटी 2014 में यूपीए के समय पेट्रोल पे 9.5 रुपए थी, आज वो 25.5 रुपए है। डीजल पे 3.5 रुपए, बिल्कुल सही आंकड़े नहीं, पैसों का फर्क है। आज का दिन वो 32 है, 8.5% रेट उन्होंने वो बढ़ा दिए है। उसका किस पे असर पड़ रहा है? जनता पे पड़ रहा है, लोगों की सभी पे पड़ रहा है, कोई एक भी इससे बच नहीं रहा। जिसके पास स्कूटर वगैरह है नहीं उसपे भी पड़ रहा है, गरीब आदमी का। इसके घर में अगर वो सब्जी लेता है कहीं से, लेडी से कहीं से कहां से आती है, ट्रकों में आती है, ट्रक क्या लेते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, डीजल का करते हैं। कोई भी इंसान 130 करोड़ हमारे देश के 130 करोड़ लोग, उसका कारण क्या, कारण क्या मानते हैं कि सरकार की ऐसी मजबूरी है? देखो जिस तरह इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वालों महंगाई कितने ना कितने बताया जा रहा, और जेकर गल करिए जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी देश के दे उदों भी पेट्रोल से डीजल के कीमत जो बढ़िया सन, तो भाजपा के वालों वक्त थावान के उत्ते देश भर के प्रदर्शन किया गया, पर यही गल कही जा रही थी कि कांग्रेस के वालों आम लोगों के उत्ते बोझ पाया जा रहा, आम लोगों की जी है वो लुट की जा रही है, पर हुण कितने ना कितने भाजपा उसे गल्ला करके ही करती हुई नजर आ रही है। और जो भाजपा ने सरकार बनाई थी तो ये मुद्दे जोड़े और रखे गए थे महंगाई को लेके, उन्होंने कहा कि महंगाई जी प्रदर्शन सरकार बनेगी उन्होंने किए से, और हूँ यही जड़ा मसला हैगा। पर इस बार भाजपा के वलों कोई बयान अजिहा सामने नहीं आया जो लगे कि हाँ लोगों की हमदर्दी की गल है। सो अज लग रहा है पुलिस फोर्सिज इतने पहुंचिया हुई ने और काफ़ी ये वक्रा रूप अख्तियार कर सकता है जड़ा धरना हैगा। सो फिर तो थोड़े गलबात जरूर करा जितेंद्र, पर फिलहाल इजाजत लवेंगे, शुक्रिया जुड़न के लिए गलबात के लिए। तो मसला गंभीर हैगा डीजल और पेट्रोल दी कीमतों नूं लैके, पेट्रोल डीजल दी कीमतों दे विच लगातार इजाफा हो रहा है, जिसनूं लैके अज जिला पद्धरी प्रदर्शन हो रहे ने कीमतों ते केंद्र नूं कांग्रेस दे वल्लों घेरन की तैयारी है। वादे खिलाफ कांग्रेस दे वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा है, पेट्रोल और डीजल एक मसला गंभीर बन चुका है। अज देश भर दे विच हल्ला बोल है, देश भर के हल्ला बोल है डीजल और पेट्रोल कीमतों को लेकर, लगातार इन्हों इजाफा हो रहा, एक चिंता का विषय बनता जा रहा। लोग जड़े ने गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं सरकार को कि घट्टो घट कीमत जड़िया ने वार बार ना बधाओ, पर सरकार जड़िया ने अपने पद्धर के फैसले लेंदियां ही ने वो भी हर रोज़, यानी कि जिस तरह के नाल पवन बांसल भी कह रहे थे कि जो 70 रुपए के हिसाब न मान लो जोड़ा पेट्रोल 84 हो चुके, अच 84 हैगा 82 हैगा वक् वक् जिले के खैर वक् वक् रेट ने, उस मुताबिक 70% जोड़ा वो सरकार की जेब में जा रहा है सीधा टैक्सिस के तौर पर। क्यों इन्ना वड्डा बोझ आम लोगों पर पाया जा रहा है, और सरकार जी है हमेशा तो लोटू रही है इस तरह के नाल, उन्होंने कहा कि क्यों सरकार बार बार बोझ पाती है लोगों पर। जो कांग्रेस की सरकार से भाजपा ने प्रदर्शन किए थे क्यों पेट्रोल डीजल बढ़ गया, आज कांग्रेस जवाब मांग रही है क्यों पेट्रोल डीजल बढ़िया, तुम जवाब दो। हूँ अज जिला पद्धर से प्रदर्शन ने, वे पद्धर से प्रदर्शन ने।